पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी 6 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में मुरादाबाद सहित सभी सीटें हार गई। 2024 में मुरादाबाद सहित प्रदेश की सभी हारी हुई सीटें भाजपा जीतेगी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर लाइन पार रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी विकास और विचार की यात्रा के साथ आगे बढ़ रही है। राजनीतिक और कारोबारी दृष्टिकोण से मुरादाबाद काफी महत्वपूर्ण है। यहां 2014 में लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन 2019 में पार्टी चुनाव हार गई। विधानसभा में सिर्फ शहर की एक सीट भाजपा ने जीती, फिर भी पार्टी ने मुरादाबाद जिले को 4 MLC दिए। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष भी मुरादाबाद की झोली में डाला। इस कारण मुरादाबाद के लोगों को यहां से लोकसभा सीट को जिताने की जिम्मेदारी ज्यादा है। पार्टी के बगैर भेदभाव किए जिले और प्रदेश का विकास किया है। प्रदेश और केंद्र सरकार ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार सभी वायदे पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित शासन के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम हम लोग जनसंपर्क का हमने बनाया है, उसकी कड़ी में आज मुरादाबाद लोकसभा की सार्वजनिक सभा थी और हमने जो जो काम किए हैं हमारी सरकारों ने, राज्य की और केंद्र की सरकार, पूरा रिपोर्ट कार्ड हमने जनता के बीच में रखा है। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के और देश के नागरिकों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो जो कमिटमेंट भाजपा के हैं वो सब सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरे किए। सर, सवाल होती पार्टी के सांसद एसटी हसन है, वो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का दावेदार बता रहे हैं 2024 के लिए। अब वो तो सपने देखने का अधिकार सबको है, बिल्कुल उसमें कोई बुराई थोड़ी। समाजवादी पार्टी 400 ज्यादा सीटें जीत रही थी विधानसभा में। सर, भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशियों का चयन शुरू कर दिया क्या? नहीं, कोई अभी हमारे यहाँ एक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है और एक निश्चित समय अवधि में ही हम प्रत्याशी घोषित करेंगे। लेकिन प्रत्याशी नहीं जी, हमारी पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्या पिछले 5 सालों का कार्यकाल पूरा सबका लेखा जोखा हमारे पास है और हमारी पूरी तैयारी है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सारी सीटें भाजपा की 80 की 80 जीती थी। लेकिन शिवपाल सिंह यादव तो ये कह रहा है कि जो है हम सब एक होकर लड़ेंगे और इनको जो जीतने ही नहीं देंगे, हम हरा के दिखाएंगे। अब 2019 में अलग अलग लड़े थे क्या? 2017 में भी लड़े थे और 2022 में कहाँ थे? और जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं वो जरा उनसे पूछो, कहाँ बहन जी, कहाँ राहुल गांधी, कहाँ ओम प्रकाश राजभर? सर, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने की संभावना है। हमारे लिए गर्व की बात है, देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए गर्व की बात है कि हम सब लोगों के जीवन काल में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम रामलला को उसी रूप में देखेंगे। 15 जनवरी से सर कल योग दिवस मनाया जाना है, मदरसों के अंदर भी योग दिवस मनाया जाएगा, इसको लेकर के कई मुस्लिम संगठन और योग जो है वो विरोध कर रहे हैं। योग हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी विरासत है योग, और हम सब लोग मिलकर उसको मनाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।